नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। सिजेरियन ऑपरेशन के पश्चात किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही गर्भवती स्त्री का सिजेरियन सेक्शन होता है तो उसके तुरंत समय बाद पहले एक घंटे दो घंटे में क्या केयर करना है, 6 से 8 घंटे में क्या केयर करना है और पहले 24 घंटे में क्या केयर करना है, ये तीन चीज़ हमें समझेंगे। उसकी फिजिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं, उसे खाने पीने का क्या ध्यान रखना है और बच्चे से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, और लास्टली रिलेटिव्स को क्या मन में समझ में आनी चाहिए बातें और क्या जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे संक्षिप्त में। सबसे पहले जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, सीजर सेक्शन हो जाता है, तो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से रूम में लाने में करीब 1-2 घंटा लग जाता है। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि उस पर क्लोज मॉनिटरिंग रखें कि सब चीज़ बराबर है कि नहीं, ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं है, ब्लड प्रेशर सब मेंटेन है कि नहीं है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है, ये सारी चीज़ें उस वक्त ध्यान रखा जाता है। इस वक्त कई बार पेशेंट को थोड़ी सी कपकपी या शिवरिंग होती है, घबराइए मत, ये नॉर्मल है, ये हार्मोन चेंजेस की वजह से होती है। इसके अलावा बच्चे को जितना जल्दी आप छाती से लगाएं, जितना जल्दी फीडिंग करें, उतना ज़्यादा बच्चे के लिए बेहतर होता है। जब पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी अब ये सेकेंड फेज़ है, 1 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक या 6-8 घंटे तक, ये जो जोन है इसमें आपको क्या क्या केयर करना है। अब यहाँ पेशेंट अब आ गया है रूम में, पेशेंट्स के सारे रिश्तेदार परिवारजन उसके आसपास हैं, सारे जन खुशियाँ मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, पेशेंट को आराम की ज़रूरत है। हालांकि वो भी खुश है, लेकिन उसे इंजेक्शन दिया गया है, उल्टी, चक्कर, डिस्कम्फर्ट, पेट में मरोड़े, दर्द, ये सारी चीज़ें होती है। उसका पैर भी नहीं हिल रहा है क्योंकि उसको एनेस्थीसिया दिया गया है। आमतौर पर सीजरियन सेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है तो शरीर के नीचे का भाग सुन्न होता है, तो उसे वो चीज़ भी विचलित कर रही है, उसे थोड़ा मौका दीजिए आराम करने का। बच्चे को हर कुछ समय में, हर कुछ घंटे में बेबी को फीडिंग कराने के लिए लगाया जाता है। याद रखें, इस वक्त पेशेंट लेटी हुई है, उठ के बैठ नहीं पा रही है, तो लेटे लेटे ही उसे फीडिंग करना है। इसमें आपकी मदद हॉस्पिटल का स्टाफ करेंगे और उसमें आपको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। 2 प्रकार की नलियाँ लगी है, एक हाथ से ड्रिप आ रहा है, IV फ्लूड चल रहा है, और दूसरा पेशाब की नली लगी है जिससे पेशाब उसको ड्रेन कर सके। उन्हें पहले 6-8 घंटे में हम कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रिप में से ही खाना जा रहा है और आंतड़ी को थोड़ा सा एक्टिव वापस फॉर्म में आने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से हम वेट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ड्राइनेस लग रही है या प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा कुछ सिप्स ऑफ वाटर या आइस मुंह में रखने के लिए दिया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे ही 6-8 घंटे होते हैं, तब हम पहले लिक्विड चालू करेंगे, उसके बाद सॉफ्ट डाइट और फिर रेगुलर डाइट दिया जाता है। आजकल हम सॉलिड डाइट जल्दी देते हैं, अगर पेशेंट को पेरिस्टाल्सिस आ गया है, पेशेंट ने मूव करना चालू कर दिया है, तो हम सॉफ्ट डाइट जल्दी चालू कर देते हैं, सॉलिड फूड जल्दी चालू कर देते हैं। आमतौर पर पहले 6-8 घंटे शुरू में पेशेंट के पैर सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे एक्टिविटी आने लगती है और मूवमेंट आना चालू होता है। 6 to 8 hours के एंड तक पेशेंट उठ के बैठ सकते हैं, करवट ले सकते हैं, और कई तो उठ के चलने की तैयारी में हो जाते हैं। जितना जल्दी आप उठ के मूव करेंगे, जितना जल्दी आप एक्टिव होंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, आपके शरीर को रिकवरी के लिए बेहतर है। जल्दी मतलब 2-3 घंटे में नहीं, हाँ, 6-8 घंटे के बाद। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस वक्त पूछा जाता है खाने पीने का क्या। न्यूट्रिशन के लिए आप बिल्कुल ना चिंता करें, ड्रिप से जो चीज़ें बच्चों, जो मदर को चाहिए, वो सारी चीज़ें पहुँच रही है। बच्चे को फीडिंग के लिए ना रोकें, गुट्टी पिलाना, ये पिलाना, वो पिलाना, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, वही गुट्टी, वही अमृत उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब 6 से 8 घंटे के बाद जो पहले 24 घंटे हैं, अब यहाँ पर अब पेशेंट अब एक्टिव होना चालू हो जाएंगे, मूवमेंट चालू हो जाएंगे, चलना फिरना चालू हो जाएंगे, पेशाब की नली निकाल दी जाएगी और उसके तुरंत पश्चात आपको यूरिन पास करना है। याद रखें, पेशाब का कैथेटर निकालने के बाद आपने यूरिन जल्द से जल्द पास करना है। Within 2 to 3 hours आपको यूरिन पास हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है, आप सिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे और इमीडिएटली उस बारे में एक्शन लिया जाएगा। खाने पीने में अब आप सॉलिड डाइट दे सकते हैं। पहले कुछ समय सॉफ्ट डाइट, नरम पदार्थ होना चाहिए, आसानी से पचे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तेल, तीखा मसाला जरूरत नहीं है, हाँ, घी बहुत ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी बहुत पिलाना है, कम से कम 3 लीटर पानी शरीर में पहुंचना चाहिए। द रीज़न इज़ अगर फ्लूइड नहीं जाएगा तो पेशाब में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहले कुछ दिनों में एक्चुअली ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, 24 घंटे से बाद में डिस्चार्ज होने तक ये जो समय है, इस समय पेशेंट को खाना पीना अप्रोप्रिएट मात्रा में जाना चाहिए, रेस्ट का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। याद रखें, रिलेटिव जो
गिफ्ट लाते हैं, फूल लाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पोलन्स होते हैं, कभी कभी उसमें बीज होती हैं, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा दूर रखें बच्चे से। इवन जो करेंसी का जो नोट दिया जाता है, नोटबंदी के बावजूद लोग उसका उपयोग करते हैं, वो बच्चे के पास ना रखें, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है। करेंसी नोट या तो आपके बैंक में या आपके पर्स में होना चाहिए, बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। उसे इस वक्त भगवान ने पैसे की कीमत नहीं सिखाई है। होता क्या है कि वो इन्फेक्शन पास ऑन होता है, बच्चे के पास छोड़ दिया जाता है, जो बहुत गलत बात है। बच्चे को बहुत ज़्यादा हैंडलिंग ना करें रिलेटिव्स द्वारा, उससे होता क्या है कि बच्चे को इमीडिएटली इन्फेक्शन पिकअप हो जाता है। बच्चे की डॉक्टर आएंगे, उसके चेकअप किया जाएगा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग किया जाएगा, हो सकता है बच्चे का बिलिरुबिन जॉन्डिस की चेकिंग की जाए तीसरे चौथे दिन, ये सारी टेस्ट की जाती है। आप विचलित ना हो, ये नॉर्मल है, ये बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, चेक करने के लिए की जाती है। मदर का भी 24 घंटे बाद में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है, हो सकता है ब्लड चेक किया जाए। मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे अगली प्रेगनेंसी में उसे दिक्कत ना हो, जिसे हम कहते हैं एंटी डी इंजेक्शन। इस प्रकार के कई चेकअप्स रेगुलर सिस्टर लोग करते हैं। प्लीज़ सिस्टर और डॉक्टरों को चेकअप के दौरान डिस्टर्ब ना करें, उन्हें चेकअप कर देने दीजिए आप लोग सब उन्हें अप्रोप्रिएटली। हो सकता है बार बार सिस्टर आके पेट पे हाथ रख के चेक करके जाए और पेशेंट सोचता है क्या है, इतना तो दर्द हो रहा है, फिर क्यों बार बार पेट दबा के जा रहे हो। वो इसलिए चेक करते हैं कि बच्चादानी आपके नीचे जारी है कि नहीं। डिलीवरी के बाद जो बच्चादानी जो इतनी ऊपर थी, अब धीरे धीरे नीचे सरक रही है, कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रही है, ये प्रक्रिया से भी पेट में मरोड़े जैसा दर्द आता है, नॉर्मल है, वो चिंता ना करें। जब आप बच्चे को छाती से दूध पिला रहे होते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का द्रव्य हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, वो दूध रिलीज करने में भी मदद करता है और बच्चादानी को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी मदद करता है, ये नॉर्मल है। कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब डिलीवरी तो हो गई, ऑपरेशन तो हो गया, उसके बावजूद मुझे डिलीवरी की जैसे पेन आ रहे हैं, मरोड़े आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नॉर्मल है ये, क्योंकि बच्चादानी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही है। याद रखें ऊपर से तो आपको ड्रेसिंग जो लगी है, पट्टी लगी है, आमतौर पर स्टिचेस दिखते भी नहीं हैं ऊपर से, लेकिन अंदर तो स्टिचेस लगे हैं, अंदर के घाव को भरने में 1-1.5 महीना जाता है, तो थोड़ा बहुत दर्द होगा। इस दौरान आपको डॉक्टर दवाइयाँ देंगे, हो सकता है एंटीबायोटिक दिया जाए, पेन किलर दिया जाए, एनाल्जेसिक के साथ साथ में एंटासिड दिया जाता है, और आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ फिर से आपको चालू कर दी जाए। यदि आपको और कोई चीज़ की दवाई चालू है, जैसे थायराइड की या ऐसी किस प्रकार की कोई चीज़ की, तो वो चीज़ भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कंटिन्यू करने के लिए, और वो चीज़ को आपको उस हिसाब से लेते रहना चाहिए। इसके अलावा आप ये चीज़ सोचिए कि जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तक आप एक प्रकार से ट्रेनिंग स्कूल में हैं, बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे फीड कराना है, कैसे होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने आप इंडिपेंडेंट करना चालू करें और सिस्टर से उनसे हेल्प लें और गाइडेंस लें। ये नहीं है कि आप लेटे हुए हैं और बाकी सब जन वो काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ख़राब है, ये गलत बात है। आपको अपने आप बच्चे को सब मैनेज करने की क्षमता डेवलप करनी है, और ये बेस्ट समय है वो चीज़ के बारे में। आपको और कोई दूसरा काम नहीं है, केवल आपका स्वयं का और बच्चे का केयर करना, दैट्स इट। बच्चे को दूध पिलाने के बाद में बर्पिंग करना, डायपर चेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। आपको क्या, आपके पति को भी सिखाई जाएगी, ये सारा काम पति को भी ट्रेन कर दीजिए, बाद में बहुत काम आएगा, हॉस्पिटल में सिस्टर सब सिखा देंगे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक आप डॉक्टर से या सिस्टर से इसकी मदद ले सकते हैं। ये जो हॉस्पिटल में जो 3-4 दिन का स्टे होता है आपका डिलीवरी के पश्चात, ये जो समय है, ये समय इसीलिए होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, और उसका ध्यान रखें। क्या चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग, अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है वो नॉर्मल है, उसमें चिंता नहीं करना है, लेकिन खून की गांठें जा रही हैं नींबू की साइज़ की या संतरे की साइज़ की, तो हमें खतरा है, तब हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है। हल्का सा फीवर किसी किसी को आता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आ रहा है इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि ये फीवर क्यों आया। समटाइम्स हम लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है टाँके के बारे में, सूजन तो नहीं आ रही है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को ये सारी चीज़ें चेक करने दें और इंटरफेयर ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न केवल फिजिकल बट मेंटली और इमोशनली भी ये जो मौका होता है वो हमें बहुत विचलित करता है। कृपया ना डरें, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। हर इंसान अपने बच्चे को मैनेज करने में सक्षम है, और ये कभी ना सोचे कि डॉक्टर साहब मेरे से तो नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, ये भाई अपने दिमाग से निकाल दें। थैंक यू वेरी मच।